गोट की बहस हो या भारत फीफा वर्ल्ड कप में कब खेलेगा, भारत में फुटबॉल इतना फेमस कब होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भारत के फुटबॉल प्रेमियों को हमेशा सताते रहे हैं। हर चार साल के बाद जैसे ही फुटबॉल वर्ल्ड कप नजदीक आता है, दुनिया के हर देश की तरह भारत में भी फुटबॉल का खुमार छाने लगता है। आप कह सकते हैं फुटबॉल का जादू भारत के सर चढ़कर बोलता है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात पर यकीन ना करें। आप सोचते होंगे कि फुटबॉल को लेकर इतनी दीवानगी नहीं, भारत तो एक क्रिकेट प्रेमी देश है। अगर इस बात पर यकीन करना चाहते हैं तो साफ चैंपियनशिप 2023 में भारत के दमदार प्रदर्शन पर जरूर गौर कीजिएगा। इसके अलावा बंगाल, गोवा और केरल में फुटबॉल की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि वहाँ बहुत कम लोग ही क्रिकेट देखते हैं। बंगाल में तो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल क्लबों के बीच लीजेंडरी राइवलरी हमेशा से रही है, उसको लेकर वहाँ का समाज दो हिस्सों में बटा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल और गोवा के राज्यों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से लेकर भारत के अपने सुनील छेत्री के पोस्टर सारी सड़कों पे, घरों में छाए रहते हैं। और ये आज से नहीं है, भारत में ऐसा हमेशा से होता आया है। फुटबॉल में भारत का दबदबा अब और ज्यादा बढ़ा है। भारत साफ चैंपियनशिप में सबसे सफल टीम है, जिसमें मेंस टीम ने 13 मैचेस में से 8 जीते हैं और वहीं विमेंस टीम ने 6 में से 5 मैचों में जीत हासिल की है। भारत के कप्तान सुनील छेत्री ने शानदार हैट्रिक लगाई और भारत को 4-0 से शानदार जीत भी दिलाई। हालांकि अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में भारत ने कुवैत के खिलाफ एक मैच खेला जिसमें मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। ये मैच भी सुर्खियों में बहुत ज्यादा रहा। इस मैच ने खूब ढेर सारी सुर्खियां बटोरी क्योंकि सेंटर बैक अनवर अली ने अपने ही पोस्ट में गोल कर दिया। लेकिन खास बात ये रही कि अनवर अली को इसके लिए किसी भी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा, उल्टा उन्हें काफी सपोर्ट किया गया। कप्तान छेत्री ने इसे टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हुए अनवर अली का साथ दिया। फिलहाल भारत अच्छी फॉर्म में खेल रहा है, मगर अब देखना ये है कि भारत साफ में सबको साफ कर बुलंदी का परचम लहराता है या नहीं। इसके लिए भारत को दुआ की जरूरत है, तो आप सब भी दुआ करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।